चलो, कहता है सोडियम, ये देखो एक सोडियम का बल्ब है, स्ट्रीट बल्ब है, जैसे हम लोग के मतलब गलियों में या ऐसे देखोगे स्ट्रीट बल्ब वगैरह होता है रोड पे, तो उस बल्ब का जो एक्चुअल पावर है, जो मार्केट से लेके आए हो, वो 2200 वॉट है। ठीक है, क्लियर है, वो हम मार्केट से लेके आए हैं, वो 200 वॉट का बल्ब है। अब कहता है बल्ब ऐसे तो जलेगा नहीं भाई, उसको लाइट एनर्जी दोगे तभी तो बल्ब जलेगा भाई। तो जो लाइट एनर्जी दिया गया लैंप, वो जो लैंप है वो मोनोक्रोमेटिक है, येलो लाइट है, मतलब सिंगल कलर का फोटोन निकाला, सिंगल फ्रीक्वेंसी का, और वेवलेंथ लैम्डा है। तो जो बल्ब है, जो हम लोग मार्केट से ये CFL बल्ब लेके आए, तो ये एक्चुअली येलो लाइट रेडिएट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वो माइक्रोन, हाँ फ्रीक्वेंसी न्यू की जो वैल्यू है वो 0.6 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर मतलब 0.6 × 10⁻⁶ मीटर है। तो ये एंगस्ट्रॉन में हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन हम लोग का इजी होगा आगे। तो ये 0.6 और × 10⁻⁶ और 10⁻⁰ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10⁴ और ये 600 एंगस्ट्रॉन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये तो इतनी जो है हमें फ्रीक्वेंसी, ये अज्यूम 25% ये वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी एंगस्ट्रॉन में नहीं रहेगा, ये मेरे से थोड़ा सा यहाँ सा मिस्टेक हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी, इट विल बी फ्रीक्वेंसी नॉट, इट विल बी द वेव लेंथ लैम्डा, बराबर है। चलो, तो इतने इतने एंगस्ट्रॉन लैम्डा हमारे पास वेव लेंथ है। अब कहता है कि हमें हमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट इमिटेड पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितना फोटॉन्स वो लाइट वो बल्ब इमिट कर रहा है, तो फोटॉन्स कब इमिट करेगा, जब उसको लाइट एनर्जी स्विच ऑन करोगे, लाइट एनर्जी दोगे। तो जो तुम लाइट एनर्जी देते हो किसी बल्ब को, तो क्या वो 100% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है क्या? थ्योरेटिकली, आइडियली, मतलब थ्योरेटिकली तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी दी गई उसका कुछ न कुछ फिलामेंट को हीट करने में, रेडिएशन में, और हीट जनरेट करने में, और कुछ न कुछ लाइट एनर्जी में, और भी प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है। तो जो एनर्जी दी गई उसका, जो पावर दिया गया उसका 25% ही लाइट में कन्वर्ट हुआ, ऐसा बताया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का डायरेक्ट फार्मूला देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसको याद कर लो, पी लैम्डा अपॉन SC की वैल्यू होती है, या इसको पी SC अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं, ये एक लाइन का डेरिवेशन है, दूसरा पहले वाला वीडियो मेरा देख लेना, एक लाइन में इसको बताया हूँ, नहीं याद है तो डायरेक्ट कर लो न्यूमेरिकल एग्जाम में। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये जो पावर है दैट इज पावर ऑफ द सोर्स है, जो एक्चुअल में पावर रेडिएट हो रहा है वो एक्चुअली पावर है, जो पावर इलेक्ट्रिकल पावर है जिससे फोटॉन्स निकल रहे हैं यार। तो ये जो पावर है पी है, दैट इज 25% ऑफ एक्चुअल पावर पी, दैट इज 200 वॉट। ये यहाँ पे तो ये 25/100 और मल्टीप्लाइड बाई ये 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 25, ऑब्वियसली 50 वॉट होगा। तो दैट इज 50 वॉट एक्चुअल पावर है, जो लाइट एनर्जी, जो फोटॉन्स रेडिएट करने में काम आ रहा है। तो ये वाला जब पावर पी आ गया हमारे पास, अब हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो ये सारी डेटा ले जाके यहाँ पे रख दो, पहले हम SC की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसकी वैल्यू, ये क्या है, एनर्जी है यार। तो एनर्जी एनर्जी ई इज इक्वल टू H न्यू, और H न्यू इज इक्वल टू SC/λ। जब एनर्जी एंगस्ट्रॉन में, जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में है, तो SC की वैल्यू में बताया था 12/420 और लैम्डा यहाँ से 600 एंगस्ट्रॉन। तो ये पूरा जो एनर्जी है वो कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 12/420 और ये 600 और ये 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी जूल में आ जाएगा। अब ये सारा ले जाके यहाँ पर रख दो और फाइनली कैलकुलेट कर लोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड की अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बेसिकली मुझे मिलने वाला है, पावर की वैल्यू डालो, पावर कितना था यार, ऑब्वियसली ये पावर कितना था, 50 वॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाई SC की वैल्यू डालो, तो 12/420 और 1.6 × 10⁻⁶
माइनस 19 और ये 600 ऊपर चला जाएगा, तो यही नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकंड। अब इसको कैलकुलेट कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कितना आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है 1.A, ऑप्शन सही है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा 1.5 × 10^2 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इतने रेडिएट होंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो।